प्रवीण कुमार तिलोकराम जी, साथ ही में देवराव शनोक बच्ची राम जी, गाड़ियों पहन लाख नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो? आई हो आप लोग सब ठीक होंगे दगड़ियों, हम भी ठीक हैं। तो यार दगड़ियों, मैं फिर से आ गई नए ब्लॉग के साथ। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 से मतलब, और मौसम देखो इस तरह से हो रखा है, अच्छा हो रखा है मौसम। तो मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। कल हमने ब्लॉगिंग नहीं किया था क्योंकि हमारे वहाँ ना नेटवर्क है ना लाइट है, कुछ नहीं है, ब्लॉग भी नहीं डाल रखा शायद 2-3 दिन हो गए। तो आज नेटवर्क या टावर आएंगे फिर डालेंगे हम ब्लॉग। और ये हैं जो खड़े हैं वो मिस्त्री हैं। आज हमने यहाँ पर वो धूरी वाला टीन लगा रखा है, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये बोल रहे थे मेरा ब्लॉग क्यों नहीं बनाए बल, और क्या कहते हैं मतलब कोई कि ना हाँ है ओलू 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 कहाँ पर आते। तो हमने आज बना रखा है हलवा, आज यहाँ पर बनाते हैं बल, ये धूरी वूरी लगा के मतलब ये वाला टीन लगा के बनाते हैं बल। परसों को नहीं बनाया था, हलवा बता हलवा बता करके मैंने यहाँ पे हलवा बता रखा है। ये अभी खाते हैं फिर दिखाते हैं आप। ऐसा दो देखो गाइस, बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, रुमाल नहीं ले जा रहा यार रुमाल। तो अगर हम खा रहे हैं खाना यहाँ पर, खाने में हमने आज पल्लू और भात बना रखा है जो कि मतलब ये है हमारा अचार। ये है स्कूल से आ रहे हैं बच्चे, आज पता नहीं इतने जल्दी क्यों आ रहे हैं मालूम। कैसा हो रहा राहुल के पापा खाना, अच्छा हो रहा ना? अरे कैसा हो रहा, फिर बताऊंगा शाम को बताऊंगा। आ गए बच्चे स्कूल से, इनसे थोड़े सवाल जवाब। तो देखो शर्मा रहे हैं, नाकन से सिंगाड़ा आया है ना इसलिए शर्मा रहे हैं। यहाँ पर कोतिक की तैयारी हो रही है, ये सब रेडी हो रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया तो गाइज हम जा रहे हैं मेला देखने लोद, वहाँ है आज पानी होता, वहाँ जाके मिलते हैं आपको। एक नंबर लग रहे हैं, एक नंबर लाल लाल पिंगल पिंगल। तो गाइज हम पहुँच गए रोड पर, अब जा रहे हैं पैदल पैदल, यहाँ गाड़ी की सुविधा कम होती है, कच्ची रोड है ये अभी। डोकला नया नया रोड गया है, इसमें डामर भी नहीं हुआ है, तो गाड़ी भी जा रहे हैं वैसे लेकिन कम जा रहे हैं, तो हम पैदल जा रहे हैं। पहुंच जाएंगे पैदल पैदल तब तक जब तक गाड़ी नहीं मिलती है, रास्ते में गाड़ी मिल गई तो ठीक है। अभी आपको पाइनोता दिखाएंगे वहाँ जाके। तो यार गाइस हमने ना घर से कंखे की कुछ नहीं लेके आए थे, अभी अभी ममता ने बोल रही है ऐसा बाल बना ऐसा बाल बना, तो मैंने ये वाले बाल बना रखे हैं। तो गाइस कैसा लग रहा है? ये देखो गाइस इस तरह का रास्ता है, बहुत खतरनाक डेंजर, पूरा चट्टानी चट्टान, देखिए ये नजर नहीं पहुंच रही है, ये देखो हम तो थक गए यार, दौड़ते दौड़ते कितनी थकान लग गई, अभी तो कितना दूर जा रहा है। इसके पापा है सब, चलो ना करके मेरे को क्या पता। ये देखिए गाइस पूरा थकान लग रहा है, ये डेंजर डेंजर रोड, ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। ये मेरे पीछे देखिए अभी हमारा गांव है, वाओ समकोट तल्ला समकोट मल्ला, ऊपर से आए हैं हम टॉप से, और सबसे ऊपर टॉप में रहते हैं हम लोग। तो गाइस 4 किलोमीटर जाना है, देखो भी यहाँ पर लिखा है, वहाँ पर सामने दिख रहा है, यहाँ पर दिखाना देखो जाना मैं 1 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर है ना। मम्मी तो यार गाइस हम यहाँ गिर पड़ के यहाँ पहुँच गए हैं, अभी तो और कितना जाना है, अंधेरा भी हो गया है। देखो वहाँ तो लोग पाए पाए नहीं होता, क्या बोलते हैं वो करके चले गए होंगे, हमें जितना होगा तो उतना दिखाएंगे। ये गाड़ी वाली ने ना हमको नहीं ले जा दिया, देखो फिर ये कितना गाइस हमारे वहाँ इतना डेंजर रास्ता है, ये सर भी आ रहे हैं नीचे से, मतलब आया बता। देखो गाइस
अब है ना पूजा कहवा पूजन कौन है नोट बखान बुबू याद आए बुबू याद पुराने जमाने के बुबू याद आए सब्जी कैसा लगा ऊपर रास्ते में बहुत ही खतरनाक मेरे को तो अच्छा लगा फिर आपको कैसा लगा पीछे वालों को कैसा लगा अच्छा क्रिटिकल है बड़ी मुश्किल से आए शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि लोग से लेकर समकोट तक या डोकला तक कोई पक्का कंचा मार्ग और सो मार्ग दिया जाए हाँ वो हमें क्षेत्र बन जाना ना उनको बोलो वो आगे को पहुँचाएंगे ये ब्लॉग अच्छा हाँ पीडब्ल्यूडी वालों ने जो रोड खोदी है ना डोकला की उससे जो है समकोट से लोथ की रोड पूरी जो पैदल मार्ग है पूरा खराब है और हमने बीटीसी मीटिंग में भी कहा था वो और अभी भी कह रहे हैं और वो बनना चाहिए और जो पीडब्ल्यूडी वालों ने वो रास्ता खराब कर रखा है वो रास्ता उन्होंने सुधारना चाहिए और डीडीआर थपलियाल जी ये बात संज्ञान में लें तो यार गाइस हम अब भी पहुंचे हैं यहाँ देखो फिर ये कितना अच्छा बना रखा है दाहिने साइड के गेट से हमारा इन है और बाएं साइड के गेट से आउट है सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि दाहिने गेट से ही इन करें इतनी सारी भीड़ हो रखी है यहाँ दिन में आते तो अच्छा दिखता आपको अभी इस टाइम पहुँचे हैं रास्ता ही भूल गई नए रास्ते भटके हम तो हम करते हैं मंदिर की दर्शन भेंट चढ़ाते हैं फिर मिलते हैं आपको जो जो होगा रात में क्या दिखा पाते हैं हम तो। वॉलंटियर से एक रिक्वेस्ट है कि आप मंदिर के अंदर दर्शनार्थियों को वन बाय वन भेजने का कष्ट करें मंदिर के अंदर थोड़ा भीड़ ज्यादा होने से ह्यूमिडिटी हो रही है एवं साथ ही मैं प्रवीण कुमार तिलोकराम जी का विशेष धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना भूमि दान करके मंदिर को यहां पर स्थापित करने में विशेष सहयोग दिया प्रवीण कुमार तिलोकराम जी साथ ही मैं देवराम चनाब बच्ची राम जी देवराम सना बच्ची राम जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा उन्होंने भी कमेटी को भेज दिया इनके लिए धन्यवाद करती है तो गाइस हमारे वहाँ दो दो चाची लगे हैं एक यहाँ पर और एक वहाँ पर अभी दिन होता तो अच्छा ही मजा आता है रात हो गई हो दिन ना भी धन्यवाद करती है